हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। मेरा नाम है लोकित और आप सभी देख रहे हैं यात्रा व्लॉग्स विद लोकित। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आया हूँ राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। आज हम लोग जा रहे हैं गरवा जी। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम एक डेढ़ महीने बाद, क्योंकि अपना टाइम भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। अभी काफ़ी बिजी रहता हूँ मैं जॉब के चक्कर में। जब भी टाइम मिलता है संडे वनडे को तो आ जाते हैं घूमने फिरने। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम पीछे सिली साइड लेते हैं खड़े हैं। इसके बाद हम जाएंगे गरवा जी। गरवा जी दोस्तों एक महाराज हैं। हिस्ट्री तो मुझे पूरी नहीं पता है, महाराज जी का नाम है गरवा जी। और चलते हैं वहाँ पे, चल के एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे वहाँ पे। गरवा जी बेसिकली दोस्तों वाटरफॉल है, वाटरफॉल देखेंगे। और वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है, तो हनुमान जी के मंदिर में भी चलेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी ट्रिप शुरू करते हैं। और ये पीछे सिली साइड लेक का व्यू। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये सिली साइड लेक के पीछे की साइड का व्यू है। अब उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम गरवा जी। चलिए दोस्तों अपनी यात्रा शुरू करते हैं गरवा जी की। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर पहले भी काफ़ी बारिश हुई है, और ये जो आप पानी देख रहे हैं कोई नदी का पानी नहीं है, ये ऊपर पहाड़ों से आ रहा है। ये सारा पानी ऊपर पहाड़ों से आ रहा है और ये आगे खेतों की ओर जा रहा है सारा पानी। तो दोस्तों गरवा जी यहाँ से थोड़ी सी दूर रह गया है, आप सामने देख सकते हैं पीछे की ओर पहाड़ी है। ये पीछे की ओर आपको पहाड़ी दिख रही है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। अब लगभग एक डेढ़ किलोमीटर रह गया है, और आप यहाँ का व्यू देखिए। पहले व्यू काफी शानदार है, और अभी बारिश का टाइम है। ये देखिए आप ऊपर पहाड़ी पे देख सकते हो, बादल टकरा रहे हैं ऊपर पहाड़ी पे। व्यू एक नंबर का है दोस्तों यहाँ का। ये पीछे की साइड का व्यू है। तो दोस्तों इस मौसम में आने में काफी फायदा है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा यहाँ के नेचर का, और काफी अच्छा व्यू मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर, अपना व्लॉग जारी रखते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गरवा जी में, और आप पीछे देख सकते हैं पीछे खड़ी चढ़ाई है, खड़ी पहाड़ी है ऊपर, और ये पार्किंग एरिया है पीछे की तरफ। ये सामने पार्किंग एरिया है, और यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं कचौड़ी समोसे की। और आप ऊपर व्यू देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ के गरवा जी का। तो दोस्तों अब अपनी यात्रा शुरू करते हैं गरवा जी की। ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको वाटरफॉल दिखाएंगे, ऊपर झरना है काफ़ी। अब इस टाइम तो काफ़ी अच्छा झरना मिलेगा, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है। और यहाँ पे आप आने से पहले प्रसाद जरूर लीजिएगा हनुमान जी पर चढ़ाने में। भाई कितने का प्रसाद दे रहे हो? 50 का 20। अच्छा, क्या नाम है छोटू आपका? अशोक। और छोटू आपका? लालू। अच्छा, तो राहुल। अच्छा, तो यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे दो बच्चे बैठे हैं, और ये यहाँ से प्रसाद लेना और ऊपर हनुमान मंदिर पे आप ऊपर प्रसाद चढ़ाना। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे बहुत सारे बंदर लंगूर है, लेकिन डर लग रहा है कि कोई फ़ोन छीन के ना ले जाए। तो देखिए आप यहाँ का व्यू, काफ़ी सारे पत्थर हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ का व्यू, काफी शानदार व्यू है, और मैं और मेरा दोस्त हम दोनों काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के मूवमेंट को। दोस्तों आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, पीछे वाटरफॉल है, हम पहुंच चुके हैं लगभग। और ये देखिए यहाँ का व्यू। तो दोस्तों ये है गरवा जी का वाटरफॉल, जो कभी नहीं सूखता, ऑल सीजन बेहतर रहता है। और यहाँ के लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं गरवा जी के वाटरफॉल को, यहाँ के सीन को। तो आप लोग भी मेरे व्लॉग के थ्रू इन्जॉय कीजिए इस सीन को। तो दोस्तों जो आप खड़ी पहाड़ी देख रहे हैं गरवा जी की, यहाँ पे पहले इंडियन आर्मी की हिल क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग हुआ करती थी। दोस्तों मैंने आपको गरवा जी का झरना दिखा दिया है, तो
काफी अच्छा झरना है। और दोस्तों यहाँ पे बारिश के टाइम में आओगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो अब चलते हैं दोस्तों ऊपर हनुमान जी के मंदिर की ओर, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है। तो ये दोस्तों सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर हनुमान जी के मंदिर के लिए, और ये नीचे का व्यू है ऊपर से। और दोस्तों अभी बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आने का भी डर है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ऊपर, ऊपर मंदिर एक्सप्लोर करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों अभी हम ऊपर पहुंच गए हैं, अभी और भी ऊपर जाना है, ऊपर भी जाने का रास्ता है, और यहाँ से ये झरने का पानी जा रहा है। और आप दोस्तों यहाँ के व्यू के मजे लो। तो दोस्तों ऊपर हनुमान जी का मंदिर आ चुका है, अब चलते हैं यहाँ के मंदिर के अंदर और आपको पूरा मंदिर एक्सप्लोर करके दिखाएंगे और यहाँ की हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मंदिर के अंदर आ चुके हैं और बारिश भी चालू हो चुकी है यहाँ पे, देखिए बारिश चालू हो चुकी है। और यह है हनुमान जी का मंदिर, आप अंदर मूर्ति देख सकते हैं। और हर 5 मिनट में दोस्तों यहाँ पे काफी बारिश हो रही है। तो दोस्तों हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप सामने देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति है, और ये काफी सालों से दोस्तों पहाड़ी के ऊपर ये छोटा सा मंदिर, और काफी ज्यादा मान्यता है दोस्तों इस मंदिर की यहाँ। तो ये दोस्तों पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर। तो दोस्तों हमें बाबा जी मिले ऊपर मंदिर में, तो अभी हमें बताएंगे कि गरबा जी महाराज कौन थे और ये मंदिर कितना पुराना है और झरना कहाँ से आ रहा है। तो बताओ बाबा जी कहाँ से, क्या हिस्ट्री है? गोरखनाथ जी के पीछे गरबा जी थे, उन्होंने गोरखनाथ जी के आदेश से यहाँ पर तपस्या करी। अच्छा, उनकी तपस्या से गंगा जी प्रसन्न होकर के यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, गोरखनाथ जी ने यहाँ पे तपस्या की थी? उनके शिष्य थे गरबा जी। अच्छा अच्छा, उनके शिष्य गरबा जी थे। अच्छा, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। अच्छा अच्छा, उनकी तपस्या से गंगा जी महादेव जी प्रकट हुए। अच्छा, यहाँ अंदर शिवलिंग है पुराना, बहुत प्राचीन शिवलिंग। किस तरह से? 1000 साल पुराना। किस तरह का शिवलिंग? अच्छा, आगे की तरफ। अच्छा दोस्तों, आप आगे की तरफ शिवलिंग देख सकते हैं, ये लगभग 1000 साल पुराना शिवलिंग है दोस्तों। अच्छा, उनके समाधि नीचे है। उनके क्या समाधि जो है? अच्छा अच्छा, उनके नीचे समाधि। अच्छा, उनके नीचे समाधि है। अच्छा, किस तरह है नीचे, किस तरह है नीचे? है वो आगे मंदिर है ना दरवाजे का? हाँ हाँ, नीचे की तरफ नीचे वो मंदिर। अच्छा, मेन मंदिर वो। अच्छा अच्छा, यहाँ गंगा जी का और महादेव जी का और हनुमान जी का मंदिर। अच्छा, तो ये झरना कहाँ से निकल रहा है? झरना यहीं कुएं से निकल। अच्छा, नीचे से। तो ये पानी कभी रुकता नहीं है, सूखता नहीं रहा पानी? अच्छा, हमेशा निकलता ही रहता है। अच्छा, नाम क्या बाबा का? योगी चंद्र किरण नाथ। योगी चंद्र शेखर नाथ चंद्र किरण किरण। तो दोस्तों जैसा कि बाबा योगी चंद्र किरण नाथ जी ने हमें बताया कि ये जो शिवलिंग है ये 1000 साल पुराना शिवलिंग है, और गोरखनाथ जी के शिष्य गरबा जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, और उनकी समाधि दोस्तों नीचे बना रखी है। जब आप यहाँ आएंगे तो नीचे मंदिर मिलेगा आपको गरबा जी का, तो वहाँ नीचे समाधि बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और जो यहाँ पे झरने का पानी दोस्तों वो कभी सूखता नहीं है, हमेशा झरना ऑल सीजन निकलता रहता है, चाहे बरसात का टाइम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, यहाँ से हमेशा झरने का पानी निकलता रहता है।
और ये जो मंदिर है और शिवलिंग है दोस्तों, ये यहाँ हजार साल पुराने हैं। दोस्तों 10-15 मिनट से यहाँ पे काफी तेज बारिश हो रही है और अब आपको झरने का लेवल दिखाता हूँ, कितना ज्यादा लेवल बढ़ चुका है झरने का। तो दोस्तों 15 मिनट से यहाँ काफी कंटिन्यू बारिश हो रही है और पानी का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कितना ज्यादा पानी आ चुका है। ये देखिए दोस्तों कितना ज्यादा पानी आ चुका है यहाँ पे। आपने पहले नोटिस किया होगा, जब मैं मंदिर में आया था तो सब कुछ सूखा हुआ था यहाँ, और 15 मिनट की बारिश के बाद यहाँ काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका है पानी का। और फिलहाल दोस्तों मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहे और आने जाने के सारे रास्ते भी ब्लॉक हो चुके हैं और दो जगह से काफी प्रेशर में पानी आ रहा है। एक तो यहाँ से आ रहा है दोस्तों और एक पीछे की तरफ से आ रहा है। ये दूसरी साइड से आ रहा है दोस्तों, ऊपर पहाड़ी से सारा पानी आ रहा है। ये देखिए दोस्तों कितना ज्यादा प्रेशर है इस टाइम पानी का। देखिए दोस्तों कितने प्रेशर में पानी आ रहा है ऊपर से, और आने जाने के भी सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं इस वक्त। और जो यहाँ के लोकल हैं दोस्तों, वो बता रहे हैं कि 4-5 घंटे तक भी यहाँ ऐसे ही पानी बहने वाला है, तो तब तक हमें यहीं इंतज़ार करना पड़ेगा पानी का थोड़ा सूखने का, और उसके बाद हम निकलेंगे अब अपने घर के लिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे एक इंसिडेंट हो चुका है, ऊपर पानी के हैवी प्रेशर में फंस के दो बंदे नीचे गिर चुके हैं, और ऊपर से नीचे की हाइट दोस्तों लगभग 10 मीटर होगी और पानी का काफ़ी तेज़ प्रेशर आ रहा है ऊपर से। ये देखिए दोस्तों यहाँ से ऊपर से नीचे गिरे हैं, आप देख सकते हैं कितना हैवी प्रेशर आ रहा है पानी का। ऊपर से नीचे आते टाइम इनका बैलेंस भी घट गया था और ये पानी के प्रेशर में बहते हुए नीचे गिर गए। दोस्तों देखिए कितना तेज़ पानी आ रहा है ऊपर से, और ये दोनों बंदे ऊपर हनुमान मंदिर से नीचे आते टाइम अनबैलेंस होकर नीचे गिर गए थे, और उम्मीद करता हूँ इनके ज़्यादा चोट ना आई हो। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।